स्वागत है पार्ट थ्री में। हम इकोनॉमिक एंड पब्लिक अफेयर्स पर बात कर रहे हैं। दिन की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हम इकोनॉमी से रिलेटेड पर बात कर रहे हैं डिटेल से। चलिए हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर। इसमें जो पहली न्यूज है, हमने दो पार्ट्स में काफी सारी न्यूज कवर की है। जो दसवें नंबर की न्यूज है वो ये है कि रियल एस्टेट को रिवाइवल को बूस्ट मिलेगा, ऐसा कामत कमेटी पैनल का, इन्होंने जो रीस्ट्रक्चरिंग करी है डेप की उसके मद्देनजर इस बात को कहा जा रहा है। ये उनको रीस्ट्रक्चर करेगा, उनके जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं ये किस तरह से फास्टर ग्रो करेंगे। लेकिन रियल सेक्टर पर काफी बड़ी मार पड़ी है और जिस तरीके से हमारा जो ग्रीन शूट वाली बात है वो नहीं दिख रहे हैं किसी को। और क्वार्टर टू में जो स्टैटिस्टिकल जगलरी होगी तो क्वार्टर फोर, क्वार्टर थ्री इसमें स्लंप करेगा, क्वार्टर फोर और ज्यादा मार्जिनल जाएगा। तो हमारा क्वार्टर फोर के आसपास पता चलेगा किस सेक्टर को कितनी मार पड़ी है, किस सेक्टर में कितना रिवाइवल आया है। रियल एस्टेट को लेके होपफुल आ रहे हैं, लेकिन ये मोरल बूस्टिंग ही बातें हैं। लेकिन जब आप रियल सेक्टर में, बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत इनॉर्मस सेक्टर है और ये काफी जटिल सेक्टर है, इसके अंदर जो इसमें कोविड से पहले से इसके अंदर से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग है इससे कहा जा रहा है, इससे इनको थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन तो इससे हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको देखते हैं आगे क्या होगा। इसके जो होटल्स इंडस्ट्री को लेकर काफी बड़ी न्यूज है, इनकी जो क्यूमुलेटिव डेप्थ जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की वो करीब करीब 45,000 करोड़ की है, जिसका एक तिहाई जो है वो डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग में जाना ही जाना है। तो केवी रावत कमेटी के अनुसार इससे कुछ रिलीफ मिलेगी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, तो देखेंगे इससे कितना फायदा होता है। इसको वेलकम किया जा रहा है होटल एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उनको तो करना भी चाहिए कि 1/3 अगर 15,000 करोड़ के करीब अगर रिस्ट्रक्चरिंग में चला गया तो इससे बेनिफिट उनको मिलेगा। लेकिन अब देखते हैं इसमें किस तरीके का होगा। और आपको शायद याद होगा कि राहुल बोस जो एक्टर है उनका एक काफी पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जो उनके बनानास थे वो शायद 500 रुपए के बनानास थे, दो ऐसा कुछ था उनका, 360 रुपए के दो बनाना उनको मिले थे। तो किस तरीके से होटल इंडस्ट्री प्राइसिंग करती हैं अपनी, किस तरह से इनका जा रहा है और ये फिर भी लॉस में है इसमें, तो इस पर वाकई में मंथन करने की जरूरत है। लेकिन ये सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत इनॉर्मस सेक्टर है, बहुत पोटेंशियल वाला सेक्टर है। लेकिन रेगुलेट किस तरीके से जाता है, किस तरह से इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, उस पर भी एक नजर रखी जानी चाहिए। लेकिन देखते हैं इसको कैसे होगा इसमें आगे। और इस सेक्टर की रिवाइवल इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा एक तरीके के वन ऑफ द गुड फैक्टर्स या वन ऑफ द गुड साइंस की तरह देखा जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है कि वोट ऑन कंपनसेशन जो है वो इनएविटेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अगर दो ऑप्शंस को रखा ऐसा कहना है केरला के फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस इसैक का, कि गवर्नमेंट अगर उस पर करती है तो वोट कराना पड़ेगा। और वोट को लेके जिस तरीके से भी रूलिंग जो एनडीए है वो उसको अपने वोट में ये जीत जाएंगे, इन्होंने आज आज के न्यूज पेपर में कहा भी वो किस तरीके से वोट मैनेजमेंट होगा। लेकिन ये फेडरल सिस्टम के लिए ये थोड़ा सा पेनफुल रहेगा, ये थोड़ा सा बैड टेस्ट में देखा जाएगा अगर वोटिंग होती है इससे पहले ही कोई सोल्यूशन निकल जाए। वैसे सेंटर ने कहा है कि ड्यूज पे ही कर देंगे, तो देखते हैं इनकी मीटिंग से क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन जो सेंटर के साथ जो जीएसटी काउंसिल में अगर वोट ना कराना पड़े, फेडरल स्ट्रक्चर की मजबूती की तरफ अगर बात चले, फाइनेंस कमीशन की जिस तरीके से था उससे फिजिकल डेफिसिट अगर बढ़ता है, जैसे लोन अगर स्टेट लेता है तो महंगे दरों पर लेगा, सेंटर को थोड़ी कन्वीनियंस होती है, सेंटर के पास ऑप्शन कई सारे होते हैं, तो देखते हैं इसका क्या निकलेगा। लेकिन ऐसा कहना है कि अगर ये दो ऑप्शन रहे, अगर गवर्नमेंट इसको स्टिक करेगी तो वोट कराना कंपलसरी हो जाएगा, इनएविटेबल, उसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा कहना है केरला के फाइनेंस मिनिस्टर का, थॉमस इसैक साहब का। चलिए इसको आगे देखते हैं। इसके बाद जो पावर ग्रिड की जो बात हमने की थी पहले भी डिस्कॉम्स को लेके, इसमें जो एसेट मोनेटाइजेशन है उसको वाया इन्वर्टर आईटीज के थ्रू उसको कैबिनेट ने गो अहेड कह दिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको ओके किया है। इन्होंने स्टेट ओन जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है जिसको PGCIL भी कहा जा रहा है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये मोनेटाइज करने के लिए ताकि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरफ ये फ्लोट कर जाए। तो इसको देखेंगे, ये पहली इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि पहली पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी हो गई है, तो इसके बाद देखेंगे किस तरीके से होगा इसका असर, तो ये काफी दिलचस्प होगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, नमस्कार दोस्तों, पार्ट फोर में मिलते हैं।